धोबी की यह लीला पूरी की थी। सुदामा के पुष्प स्वीकार किए थे, कुब्जा का चंदन माथे पर धारण किया था। सब जनों के हृदयों को धन्य करके मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाने वाले मेरे ठाकुर और नंद बाबा जी जब लौटाए गए तो प्रभुत दान दक्षिणा रोते रोते वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्या करूंगा इन कंकड़ पत्थरों को लेकर। वसुदेव जी और देवकी भगवान की उसी छवि को चित्त में धारण किए, भगवान उनकी वत्सलता को जागृत करते हैं, लिपट जाते हैं, अंक में भर लेते हैं माता पिता को। उग्रसेन कहते हैं कि कन्हैया मैं इस राज गद्दी पे बैठने योग्य नहीं हूं। जो व्यक्ति अपने पुत्र का नियमन न कर सके उसे जनता पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं। भगवान ने कहा कि वो परिस्थितियां ऐसी थीं, मैं भृत्य बनकर आपके सिंहासन के साथ खड़ा रहूंगा, पर गद्दी पर तो आप ही को बैठना है। ये राज गद्दियां हथियाने का अभियान नहीं था। भगवान नहीं बैठे मथुरा की राज गद्दी पे, द्वारकाधीश कहलाए पर द्वारका के राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठे। ये धरती को दुष्टों से परित्राण दिलाने का अभियान था। बहुत बड़े ससुर का दामाद था कंस, कितनी बार जरासंध के साथ युद्ध करना पड़ा। भगवान का यज्ञोपवन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ठाकुर गए उज्जैनी में विद्या अर्जित करने के लिए। जिन विद्याएं जिनके चरणों से निसृत होती हैं, अपने गुरुदेव को दक्षिणा दी उनका खोया पुत्र लौटा के, मथुरा दोबारा से बसेगी। कंस के भय के कारण भागे हुए लोगों को लौटाना है, बड़े उत्तरदायित्व हैं। और फिर मेरे ठाकुर बाद में रण छोड़ राय कहलाए, जब जरासंध ने काल यवन को पीछे लगा दिया, आगे आगे भागे श्याम सुंदर, पीछे पीछे काल यवन। अरावली की उपत्यकाओं में देवताओं के सेनापति मुचुकुंद सोए पड़े थे। देवों से वर लेकर कि कोई उन्हें जगाने का प्रयत्न करेगा तो उनके आंखों की ज्वाला से जल जाएगा, तो भगवान ने काल यवन का उपयोग कर लिया मुचुकुंद को जगाने के लिए। कंदरा में प्रवेश कर गए, मुचुकुंद को अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया, पीछे से हाँफता हुआ काल यवन आया। अच्छा छलिए तान दुपट्टा सोया है, मारी ठोकर। और वो छलिए कृष्ण तो नहीं थे, वो तो मुचुकुंद थे। उठ के बैठे, जैसे ही आंखें खोली काल यवन को देखा तो काल यवन जलकर भस्म की ढेरी बन गया। ये है हमारे श्याम सुंदर। वो हमें कहते हैं थोड़ा थोड़ा कड़वे भी बनना चाहिए, चतुर भी बनना चाहिए। ज्यादा मीठे मीठे बने रहोगे तो गन्ने की तरह कोल्लू में डाल के पेर दिए जाओगे। और दुष्टों का दमन करने के लिए शक्ति चाहिए होती है। मुचुकुंद जी आश्चर्य में इधर उधर देख रहे हैं कि ये हो क्या गया। भगवान कंदरा में से प्रकट हुए, कहा मुचुकुंद जी जागो, सज्जनों का सोना अच्छा नहीं होता और दुर्जनों का जागना अच्छा। और हिंदुओं तुम तो कुंभकर्ण के भी बाप हो, सोने के मामले में तुम्हारा कोई सर्वस्व लूट ले तो भी तुम चिंता नहीं करते। जिसने चाहा तुमको लूटा फिर भी तुम खामोश रहे, तो जागो जरा। दुष्टों की दुष्टता का भय नहीं होता, दुर्जनों की दुष्टता पे दमन किया जा सकता है, चिंता तो सज्जनों की निष्क्रियता के कारण होती है। और आप देखो हर सज्जन आदमी जगह छोड़ देता है। सज्जन आदमी का लक्षण होता है वो पलायनवादी होता है, भागने वाला भगौड़ा। बोले हम तो भैया झंझट में नहीं पड़ते, अब तू ना पड़ झंझट में, कोई दुष्ट वहां डेरा डाल लेगा। ऐसा ही होता है ना, हमें क्या लेना देना, अरे तुम्हें लेना देना है। भागने से बात बनने वाली बन जाएगी क्या? सबसे पहले तो एक बात के लिए जागृत रहना चाहिए, अपनी शक्ति के संगठन के लिए। जातियों के बोध होने चाहिए, बुरी बात नहीं है, पर राष्ट्रीय स्वाभिमान सबसे बड़ी संजीवनी है। तो हिंदुओं का तो हाल ऐसा ही है, उसने नया नया ब्याह किया, पत्नी बड़ी प्यारी है,
पहलवान बेचारा ब्याह के चक्कर में पड़ गया, बहुत सारे बच्चे हो गए। एक दिन खेतों में गया तो पेड़ की डाल पकड़ के झटका मारा, ऊपर ही लटका रह गया। जब कुआरा था तो डाल झुका देता था नीचे। बहुत उदास वापिस आया, पत्नी बोली क्या हुआ, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया? बोले नहीं, तेरे चक्कर में पड़ के चौपट हो गया। मेरे चक्कर में पड़? हाँ, बोले जब कुआरा था तो पेड़ की डाल को झुका देता था, अब मैं ऊपर ही लटका रह गया। पत्नी बोली अकेले क्यों गए थे? ये 5-7 हट्टे कट्टे लड़के तुम्हारे, सबको लेके जाऊं ना? अब पहलवान चला सबको लेके, और जैसे ही पेड़ की डाल पकड़ के सब लटके तो डाल नहीं, पूरा पेड़ झुक के नीचे आ गया। पत्नी बोली पहलवान जी, आपकी ताकत कहीं चली नहीं गई थी, आपके 5-7 बच्चों में बट गई थी, तो हिंदुओं आपकी भी ताकत कहीं चली नहीं गई है। पार्टीबाजी और जातिवाद और प्रांतवाद और दुनिया भर के वाद और विवाद छोड़ो, ऊपर उठो, बड़ा दिल बनाओ। अगर बड़ा उद्देश्य है तो दिल भी बड़ा होना चाहिए, और उसके लिए बहुत बहुत सारे पुरुषार्थ की जरूरत है। इसलिए मैं तो पूरी हिंदू जाति को चाहती हूं कि एक एक मुट्ठी की तरह तुम मुट्ठी की तरह बंधे होगे ना तो भारत माँ मुस्कुराएगी कि देखो मेरे बच्चे कैसे मिलजुल के रहते हैं। बंध हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। इसलिए पलायन अच्छा नहीं होता, भगोड़ापन अच्छा नहीं होता, भागना अच्छी बात है क्या? अरे डुको, रुको, टिको, ना तो दीनता चाहिए, दैन्यता, और ना पलायन, सीना तान के खड़े हो अपने देश के काम के लिए। जब भी कोई बात आए तो कहो मैं हूं, मैं करूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जिनके माथे पर मेहनत से नहीं छलकता मीत पसीना, मेहनत करना सीखो। यूरोप वाले अमेरिका वाले आते हैं, दीदी माँ यहाँ लोग बैठे रहते काम क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं करते? अरे मैंने कहा घर में भाइयां हैं काम करने के लिए। सब्सक्राइब करें साध्वी रतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।